आज हम बनाने जा रहे हैं संवत के चावल। इस रेसिपी को हम व्रत में यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमने एक कप समा के राइस लिए हैं, जिसको हमने आधे घंटे के लिए भिगोया है। एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून सेंधा नमक या स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून मूंगफली, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 टेबलस्पून देसी घी, थोड़ी सी वेजिटेबल्स चॉप, यहाँ पे मैंने आलू, गाजर और शिमला मिर्च लिया है, 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च चॉप। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च 2 भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुकर रखेंगे। कुकर गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ देसी घी। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, बट देसी घी में स्वाद अलग ही आता है। उसके बाद हम उसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। हम इसे गुलाबी होने तक भूनेंगे जीरे को, और जैसे ही हमारा जीरा भुन जाएगा तब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे और इसको अब हम हल्का सा भूनेंगे। ध्यान रखिए इसको हम धीमी आंच में पकाएंगे। जब तक हमारे टमाटर सौते हो रहे हैं तब तक हम थोड़ी सी मूंगफली क्रश कर लेंगे। अगर आपको ज्यादा मूंगफली पसंद है तो आप ज्यादा मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम क्रश कर लेंगे, जिससे कि वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाए मूंगफली। मूंगफली का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है सांभर के चावल में। कुटी हुई मूंगफली ऐड कर देंगे। अब हमारे टमाटर सौते हो गए हैं, अब इसमें हम सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। इसको हम हल्का सा एक बार स्टिर करेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है ये। इसको हम एक बार और चलाएंगे। अब हम इसमें समा के चावल डालेंगे। हमने जितने समा के चावल लिए थे, जैसे कि हमने मैंने पहले बताया, हमने 1 कप समा के चावल लिए थे, अब हम इसमें 8 गुना पानी डालेंगे उसका। अगर आप 1 कप समा के चावल ले रहे हैं तो आपको 8 कप्स ऑफ वाटर लेना है। इसको हम एक बार चलाएंगे अच्छे से, जिससे कि ये सही से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं इसमें। फिर हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्च। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर या फिर कुटी हुई काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम एक बार चलाएंगे, जिससे कि सब चीजें मिक्स हो जाएं अच्छे से। अब हम इसको प्रेशर करेंगे फॉर 20 मिनट के लिए। याद रखिए इसको हमें स्लो फ्लेम पे पकाना है 20 मिनट के लिए। और जब 20 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे और जब इसका प्रेशर निकल जाएगा, जब इसकी विसल पूरी तरह निकल जाएगी, तब हम इसको खोल लेंगे कुकर। अब इसका प्रेशर निकल गया है। आइए अब हम देखते हैं कि ये कैसी पकी है। देखिए ये इस प्रकार लगेगी। आप देखिए अच्छे से चावल
पक चुके हैं, सारी वेजीज अच्छे से पक गई हैं, सारी सब्जियां। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गाढ़ी है या पतली है तो आप उस हिसाब से आप उसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी लग रही है, थोड़ा सा उबला हुआ पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे हरे धनिया पत्ते के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।